हेलो जी, नमस्ते। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ भाई सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो भाई दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पर ये कपड़े और ये बर्तन ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इनसे पेंडा छुटाना बहुत मुश्किल हो जावा है। और हर एक इंसान का वगा मेरे पास नहीं है और घर में कहीं पर रखने की जगह नहीं है। और दूसरे दिन मशीन हो जाती है फुल, और मशीन तो पेंडा छुटाओ फिर उसके बाद ये प्रेस के लिए हो जाते हैं इतना ही ढेर। तो पतिदेव की ये ड्रेस मैंने तैयार कर दी है, उनकी तैयार करके और रख दी थी। और उसके बाद ये यहाँ पर मैं नहा धो कर ज्योत बत्ती करी, पूजा पाठ करने के बाद मंदिर में भी होकर आ गई थी। और ये यहाँ पर मैं निकालने लग गई थी भी जोश मौसमी का, तो ये दबाने से इस तरह से निकल जावा है। एक बार तो छील कर वैसे ट्राई करके देखा था कल हमने, तो उसमें टाइम लग जावा है। और इस तरह से भी निकालने में है, इस तरह से निकालने में बिल्कुल भी इसमें इसके अंदर पचता नहीं भी रस वस कुछ भी, सारा निकल जावा है। और ये तरीका अच्छा है। कल हमने छील छील के और जैसे वो जूस वाले निकाले ना उस तरह से निकालने की कोशिश करी, और फिर हम हो गए परेशान। तो फिर आज ये इस तरह बस छील के और कट करके और फिर आधी आधी करके आधा आधा पीस इसमें रखते रहो और पूरा जूस निकल जावा है। और एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा जूस है, बर्फ़ वगैरह डालने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा ऐसे ही बस इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लिया और थोड़ा सा डाल लिया इसमें नमक, और वैसे इसको भी छानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने मोटी सी छलनी में छान लिया है। और ये मेरा गिलास तो भी याद आ हुआ पापा का दे के आई, फिर उसके बाद दो तीन मौसमी और कट करके और अपने लिए भी कर लिया, क्योंकि भैया अपना भी ध्यान रखना साथ के साथ में ज़रूरी है। हम ठीक रहेंगे तभी दूसरे का हम ख्याल रख पाओगे, जब इनकी सेवा पानी हो पाओगी। तो यहाँ पर सोच तो रही थी मैं कि चाय बना कर पी लूँगी, फिर कैंसिल कर दिया अभी चाय का, क्योंकि ये मौसमी रखी है फिर ये ख़राब हो जाऊँगी, फिर वैसे दुखा होगा कि भाई इतनी महंगी चीज़ लेके आवा है और फिर उसने इस तरह वेस्ट कर देवे हैं। तो ये यहाँ पे बस एक गिलास मेरा भी हो चुका है रेडी, दक्ष आएगा फिर उसका भी बना दूंगी शाम के टाइम में जब वो स्कूल से आ जाएगा। तो अब हो गया भाई 10:30 बजे का टाइम और मैंने बना लिया है खाना, तो अभी खा लूंगी क्योंकि भी आज मैंने नाश्ता नहीं कर रखा तो भूख लग गई है। तो फिर थोड़ा सा काम भी करना है सिलाई का, तो अभी खाना पीना खा के अपना काम निपटा कर और तब लगूंगी मशीन का काम करने की तैयार, क्योंकि भी बार बार मैं फिर उठने के बाद फिर वो काम पूरा नहीं हो पाऊंगा। एक कमीज रह रखा है वो सिल लियो, आज पहले कटिंग करूंगी फिर स्टिचिंग करूंगी उसकी। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया, अभी यहाँ पर करेले ले रखे हैं, कल रात ने बनाए थे करेले, अब ये 2-3 दिन तक ख़त्म नहीं होंगे तो मैं ये खाऊंगी। दक्ष के लिए तो सुबह बनाई थी भाई वो सब्जी भिंडी की, एक प्याज और थोड़ी सी भिंडी उसके लिए छोक दी थी। और ये हो चुके आम, बहुत ज़्यादा मीठे आम है, इतने बड़े बड़े आम थे, और साथ में खीरा भी कट कर लिया। और ठंडी ठंडी लस्सी है, ये लस्सी पी कर तो एकदम कलेजे ना ठंडक मिल जाए है। तो भैया आ जाओ जी खाना खा लो। ये मेहनत करनी भी सबके बस की बात नहीं होती है, बस वो ये है जबान से बोलने में और काम करने में बहुत ही दिन रात का फर्क होता है। तो बोलने वाले का दे है कि बस क्या करना है, ये अस्तर जोड़ दिया और उठते बैठते ने टाका लगा दिया, सिल दिया। तो ऐसे सूट नहीं सिलते, जो सिल है उसी को पता होता भी आज के जो ये सूट चल रहे हैं उनमें कितनी सारी मेहनत हो जाती है, जब सिलाई देनी पड़ती है तब उस टाइम तो ये लगती है भी महंगी है इतनी ज़्यादा सिलाई, इतने महंगे हो रखे हैं, और मेहनत नहीं देखते भी कितनी मेहनत लग है। वैसे खैर मैं सिलती तो नहीं हूँ सिलाई पे, इसी कारण तो नहीं सिलती, क्योंकि भी जब सिलते हैं तो जब तक एकदम परफेक्ट काम नहीं करके मैं दे देती, जब तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलती, चाहे उसमें मैंने कितने ही मेहनत करनी पड़े, पर जब तक मेरे को नहीं लगता कि एकदम ये ओके है, जब तक मैं चाहे मेरे को 4 बार खोलना पड़े वो चीज़, 4 बार ख़राब करनी पड़े और 4 बार फिर दोबारा तो बनानी पड़े, जब मेरे को संतुष्टि हो जाती है कि हाँ अब ये ठीक है, जब मैं जाकर रुकती हूँ। और तो भाई फिर इसी मेहनत का फिर कोई फल भी नहीं दे तो फिर क्या फ़ायदे, इतना दुखी होकर। और वैसे भी भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है गर्दन में, सर में दर्द हो जाए, अपनी सिलाई हो जाए वो ही काफ़ी है,
उसमें ही अगर देखा तो वही बहुत सारी बचत हो जाती है। अगर हम दो सूट बाहर सिलवावें तो उसकी सिलाई में एक सूट हम लेके आ सके हैं। पर भाई सबको सिलाई नहीं आती, पर जिसको आती है उसके लिए बात कर रही हूँ मैं। हर एक इंसान को हर एक काम नहीं आते, किसी में कुछ हुनर है तो भी किसी में कुछ हुनर है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। तो अब ये बस कटिंग कर ली है सूट की और अस्तर की, दोनों चीज़ों की। और ये रिविल सिविल टेप की मदद से मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया है, और ये रिविल सिविल टेप इतने काम की भी नहीं निकली। मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि मैंने एक सूट की चाक पे भी लगा के यूज़ करके देखी थी, तुरपाई अब उसकी दोबारा से मेरे को करनी पड़ी, वो निकल गई। वो एक बार धुलाई होने के बाद वो उतर चुकी है, उसके ऊपर था रिविल सिविल टेप, एकदम फिक्स नहीं हो जाता कुछ भी। जिस तरह भी फैब्रिक ग्लू आता है उस तो एकदम फिक्स हो जाता है। तो ये तो बस इस तरह का काम है, जिस तरह कच्चे टाके लगा देते हैं, कच्ची सिलाई जो करते हैं उतना ही ये काम करती है, और फिर बाद में निकल जाती है ये थोड़ा बहुत। अब ये मैंने अस्तर के साथ अटैच कर दी, और जब तक मैं सिल लूँगी जब तक थोड़ी बहुत ये इसके ऊपर चिपकी रहेगी, वरना ये अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। तो बस इतनी ही रिविल सिविल के ताकत। और ये देखो यहाँ पर ये सामान ला कर रख रखा है, और ये सामान इतना है कि 2 से 2.5 महीने आराम से चल जावे। और इस सामान को भी लेके आना, फिर इसको सेट करना, किचन में बहुत सारा काम हो जाता है। एक लेडीज़ को भी ये इतने सारे काम हो जाते हैं, छोटे छोटे काम हैं, इनमें मेहनत इतनी लगती है, और दिखाई किसी को नहीं देता कि भाई कितना वो है। अब ये सारे जो बॉक्स हैं डब्बे हैं वो निकालने हैं, साफ़ करने हैं कुछ, और कुछ में सामान बचा हुआ है तो वो भी चेक कर करके और डालने पड़ेंगे, और बहुत टाइम लग जाओगे इस सामान को सेट करने में। कई 2-3 दिन से ला कर रख तो रखा है, पर ये खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि बस इसके अंदर ये डाले रखे रहो, और जो जो सामान ख़त्म होता रहा इसमें तो निकाल कर और यूज़ कर लिया। पर इस तरह तो काम नहीं चलने वाला, इसमें रखे रखे वैसे भी ख़राब हो जाती है। और ये काम तो भी करना है, कितना टाल सके हैं। तो एक बार काम में लगने के बाद फिर ये नहीं लगता कि है कुछ वो है, बस एक बार सिर घुसा दो काम के अंदर फिर तो भाई हो ही जाएगा। और अब मेरे डब्बे हैं, इनको साफ करके इनमें चेक कर कर बता देती हूँ, और टाइम तो लगेगा। एक बार यहाँ पर जा रही है, एक बार वहाँ पर चेक करना पड़ता है, डब्बे ढूंढने पड़ते हैं, कई जगह पे रख रखे हैं। किचन है भी छोटी और सामान हो जाता है ज़्यादा, किचन में कितने ही डब्बे ला कर रख लो वो ही कम पड़े हैं, क्योंकि सामान ही इतना हो जावा है। तो अभी ये खाली करती रहूँगी और देख लेती हूँ भी जितना सामान इनमें डल पाओगे उतना डाल देती हूँ, और बाकी का जो वैसे बड़े वाले डब्बे हैं ड्रामी बोला है जिनको, उसमें रख दूँगी। जब ज़रूरत होगी तो वहीं से निकाल लेंगे भाई, और कितने एक डब्बे लेके आकर भर कर रखूँ मैं इसमें। तो बहुत सारी ले आई, और प्लास्टिक के तो वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि प्लास्टिक के तो लेके भी नहीं आने चाहिए, अगर लेके आऊँ तो स्टील वगैरह के और भी अच्छे अच्छे चल रहे हैं वो वाले लेके आने चाहिए। पर जो हैं तो कई तो ऐसे अभी वैसे सामान के साथ आए हुए हैं ढेर सारे डब्बे, तो और वैसे ख़रीदती हूँ तो मैं स्टील वगैरह के ही ख़रीदना पसंद करूँ, या फिर कांच के, ये छोटे छोटे हैं जो मसाले वगैरह के लिए, तो मैंने कांच के जार खरीद रखे हैं। तो प्लास्टिक जितना कम यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा। और ये पोलोथीन देख लो भाई, इनका ढेर लग जाएगा पोलोथीन ना का, ये भी सामान। तो अभी यहाँ पे दक्ष भी आ चुका है भाई स्कूल से, और मेरा यूं ही काम सारा फैल रहा है, पूरे घर में मैंने सामान फैला रखा है, और किचन में भी ये आधा अधूरा है छोड़ दिया। अब इसके लिए खाना बना लूं, चाय बना दी अपने लिए और शेक वगैरह। तो भी पहले ये वाला काम करती हूँ, फिर बाद में समेटूंगी। इस काम में तो बहुत टाइम लग जाएगा, एकदम दिमाग का भी वो हो जाए ये सेट करने में। बहुत मोटा काम है भाई किचन का, और कहने वाले नु कहते हैं बस पौना है खाना ही तो है ना, ये सामान सेट करने में इतना वो लग जा है। गर्मी लग रही, पंखा चला लू, तो भी पहले ये काम कर लू फटाफट। तो यहाँ पे तैयारी कर दी है कढ़ी बनाने की, सिंपल तरीके से बनाएंगे बिल्कुल। इसमें मैंने डाल दिया नमक,
धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, नमक बता दिया। और अभी इसमें ये लस्सी है, लस्सी में बनाओगे। और इसमें मैंने पीस रखी है हरी मिर्ची का पेस्ट बना रखा है, वो मिला देते हैं और थोड़ी देर इस पेस्ट को भाई रख देते हैं गोल को बना के रेडी कर कर। और फिर उसके बाद में इसमें हम छोंक लगाओगे जीरे का, प्याज का, अजवाइन का और बिल्कुल सिंपल सी सब वो बनाओगे कढ़ी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, इस तरीके से बनाओ तब तो देखते रहिए भी।